मेरे अति प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपका साथ हमेशा रहने पाए। डर के साथ है, किसी भी वजह से आप डरे हुए हैं, किसी काम में, आपके घर में कुछ समस्या के चलते, जहां आप काम करते हैं अपने काम के चलते आपका डर है। यशाया 41 अध्याय का 10वां वचन में परमेश्वर कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत था क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। डर घबराहट, परमेश्वर कहता है घबराना नहीं। कुछ कुछ बातों के चलते आप डरे हुए हैं, क्या होगा, कैसे होगा, इस प्रकार बहुत बातों के चलते आप डरे हुए हैं, क्या होगा, कैसे होगा, घबराहट है। खुदा कहता है मत घबराओ। वो कहता है तुम्हारा मन कच्चा ना होगा, घबराना नहीं। वो सर्वशक्तिमान प्रभु हमारा साथ रहने के चलते डरने की जगह में परमेश्वर आपको नहीं रखेंगे। आप जैसे घबराते हैं ऐसे नहीं होगा, भलाई के रूप में सब परमेश्वर बदल देंगे। इसलिए है ना परमेश्वर आपका साथ है, हाथ पकड़कर चलते हैं। क्या आपके जीवन में प्रतिदिन बाइबल पढ़ के प्रार्थना करते हैं? जब आप तड़के उठ के प्रार्थना करने से ही परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करेंगे, उनके वाणी को सुन सकते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम उसकी वाणी को हम सुन सकते हैं। प्रार्थना नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे और परमेश्वर से बात नहीं करेंगे, सिर्फ वॉक विद जीसस सुनने से पर्याप्त समझते हैं। आप सुबह उठ के प्रार्थना करना है, वचन को अध्ययन करना है, उनके ओर स्तुति प्रार्थना करना है, तबे उनको वाणी को हम सुन सकते हैं। डरना नहीं बेटा, डरना नहीं बेटी, मैं तुम्हारे संग हूं। क्यों घबराते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, इस प्रकार क्यों घबराते हैं, मैं तुम्हारे संग हूं। वो कहता है मैं सब कुछ बदल दूंगा। सब आपको क्या करना चाहिए, सुबह उठ के परमेश्वर से दुआ प्रार्थना स्तुति करना है। प्रभु मैंने गलती कर दिया, मुझे माफ कीजिए, इसके बाद तड़के उठ के मैं आपको स्तुति करूंगा, प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा, आपका वचन का पढ़ के मैं अध्ययन करूंगा। आप बोलिएगा यदि अर्पण करने से अभी घबराहट डर सब भाग जाएगा। पिताजी ये सब आपका बेटा आपका बेटी, इनकी गलतियों को कमी को क्षमा करके तो इनको बढ़ाने वाला प्रभु है। सुबह उठ के प्रार्थना करने के अनुग्रह को इनको दे प्रभु, सुबह उठ के वचन पढ़ के अध्ययन करने के अनुभव को इनको देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। इन बच्चों की मन में डर घबराहट सब यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन।